हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब साहिल यादव नाम का युवक हाथ में लोहे का पाइप लेकर अचानक आ धमका और पैसों के लेन देन को लेकर नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। साहिल यादव का आरोप है कि 4 साल पहले नगर पालिका ने पंपीजन स्थित कुओं की सफाई का काम करवाया था जिसका 8,50,000 रुपए लेना बाकी है, लेकिन नपा अध्यक्ष भुगतान नहीं करवा रहे हैं। वहीं नपा अध्यक्ष सुरेंद्र जैन का कहना है कि मैं साहिल को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन मेरे कार्यकाल में इन्होंने या इनके परिवार ने नगर पालिका का कोई काम नहीं किया। इस साजिश के तहत हमला करवाया जा रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। करीब 11:15 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति साहिल यादव है, मोटरसाइकिल से आया है। इसके पास एक आयरन रॉड थी, आते हुए आया था। उसने गाड़ी बैठक में और सुरेंद्र जैन के साथ गाली गलौज की है और उनके साथ जो है हमला किया है। तो पास में जो उनके साथ जो बैठे थे पार्षद धर्मेश पटेल, वो उन्होंने उसको बचाया है। बट उन्होंने थाने पर जो है बनवारी लाल ने रिपोर्ट कराई, उनकी रिपोर्ट पर से शासी कारण में बाधा मारपीट उनका बता दिया।